जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ये तो आप जो मुख्यमंत्री के आसपास जो सबसे बेलचे हैं वही लोग करते हैं? यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियाँ अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन था शासन? बीजेपी के लोग थे ना, अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे को लेकर सियासत जारी है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिहार के डीजीपी का कोई पावर नहीं है, उनके किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा और मुख्यमंत्री के अगल बगल जो चमचे बेलचे हैं वो खुलेआम पोस्टिंग कर रहे हैं और पोस्टिंग किस तरह से हो रही है ये सबको पता है, वो चढ़ावा लेकर पोस्टिंग कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर सियासी उबाल है। इसी बीच भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में कब बंद होगा अपराध? यूपी में अपराध इतना बढ़ा हुआ है वो कब बंद होगा? बिहार में इतने ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में इसके लिए कब बंद होगा? सत्ता में बैठी है बीजेपी, इन लोगों की कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना। भारतीय जनता पार्टी को अपना भी इतिहास जान लेना चाहिए। अरे भाई सबको पता है कैसे होता है क्या होता है बिहार में, सबको पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जान किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है, तो इसपे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं, तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इस हिसाब से नंबर है। नाउ डीजीपी को क्या पावर है? पावर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ये तो आप जो मुख्यमंत्री के आसपास जो सबसे बेलचे हैं वही लोग करते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जो अच्छा काम करे। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है, तो ये तो सच्चाई है बिहार। बंगाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कतरी अकड़ी में अंतर है, इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन था शासन? बीजेपी के लोग थे ना, अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। इधर उत्तर प्रदेश में कई रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने से दुर्घटना रुक जाएगी क्या? आप ही बता दीजिए। नाम बदलने से कोई काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप ही बताइए, नाम बदलने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जातिगत जनगणना की हमारी बहुत पुरानी मांग है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से ये हमारी मांग रही है। उसी का परिणाम रहा कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था, लेकिन 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने वो निर्णय पलट दिया। नीतीश कुमार जी भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उसी एनडीए कैबिनेट का हिस्सा थे। 2011 की जनगणना से पूर्व उसमें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर 2010 में लालू प्रसाद जी सहित प्रमुख समाजवादियों ने संसद में पुरजोर तरीके से अपनी बात रखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा
जातिगत गणना सामाजिक आर्थिक सर्वे कराने की स्वीकृति देने के बाद ही संसद चलने दी थी। एनडीए बीजेपी सरकार ने 10 वर्ष बाद होने वाली 2021 की जातिगत जनगणना नहीं कराई, हमने तो केवल 17 महीनों के अल्प सेवा काल में बिहार में जाति आधारित गणना कर और उसी अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया। अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के लोग भाजपाइयों को क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। बीजेपी को समर्थन दे रहे क्षेत्रीय दल बिना रीढ़ के हड्डी के सिद्धांतहीन लोगों के हाथ में हैं। मोदी जी, देख लेना, हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।